नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दीपक सिंह, दैनिक क्षेत्र समाचार से। हमारे सेंट्रल जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो पिछले कुछ दिनों से जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं, और यहाँ पर किस लिए आ रहे हैं, क्या वो ग्राउंड लेवल पर लोगों की परेशानियां जानने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, या उनका मोटिव क्या है आने का, इस पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं विशाल गुप्ता, जो यूथ लीडर हैं और इस समय युवाओं में उनका एक कद जो है वो उभर कर सामने आया, इनसे बात करेंगे। विशाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया दीपक जी। अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूँ, कैबिनेट मिनिस्टर जो हैं वो जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं, तो आप किस तरह से देख रहे हैं, क्या मंशाएँ उनकी लगती हैं यहाँ आने की? आप देखिए, ये तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो अभी शुरुआत की थी कि जो जिसमें 10 सितंबर के बाद से हमारे कैबिनेट मिनिस्टर जो जम्मू कश्मीर के दौरे पर आना शुरू हो चुके हैं। देखिए, जैसे परसों हमारे एक ये एग्रीकल्चर मिनिस्टर तोमर जी आए थे जम्मू कश्मीर के दौरे पे, वो आए जम्मू कश्मीर भी गए, तो उसके बाद जम्मू भी आए। हाँ, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये अगर मिनिस्टर्स की ड्यूटी लगाई कि वो जम्मू कश्मीर में जाके जम्मू कश्मीर की जनता से मिले, बट वो जनता से तो मिले नहीं। ग्राउंड लेवल पे तो जनता से मिलना चाहिए ना, अगर समस्या तो जनता की है, ना कि जो ऑफिस में लोग बैठे हैं उनकी समस्या। समस्या तो जनता फेस कर रही है, जो 5 अगस्त 2019 को 370 और 35 से टूटने के बाद बोला गया डेवलपमेंट्स आएगी, तो आज उसी का एक प्रक्रिया शुरू हुई है कि जो सेंट्रल मिनिस्टर जम्मू कश्मीर के दौरे पर आना शुरू हुए हैं, तो अब वो सेंट्रल मिनिस्टर अगर जम्मू आ रहे हैं तो उनको सबसे बड़ी बात है उनको पब्लिक से मिलना चाहिए। अगर वो दौरा करके सिर्फ ये दिखाना चाहते हैं कि ये मिनिस्टर जम्मू में आया, ये जम्मू कश्मीर का दौरा करके अपनी ड्यूटी करके अपने दिल्ली चले गए हैं, तो उससे जम्मू कश्मीर की जनता को क्या फ़ायदा होने वाला है? देखिए, जैसे अगर हमारे हेल्थ मिनिस्टर आते हैं, उनका एक फ़र्ज बनता है कि वो हेल्थ अपने हॉस्पिटल्स में जाएं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाएं, उनकी फैसिलिटी देखें और वहाँ से पब्लिक से पूछें कि आपको क्या प्रॉब्लम फेस आ रही है। जब तक जनता से नहीं बात करोगे, आपके दौरे का क्या बेनिफिट मिलने वाला है? अगर नहीं डायरेक्ट जनता से कि जनता के प्रतिनिधियों से, नहीं जनता से बात करें ना, प्रतिनिधि तो जनता चुन के भेजती ना। आज तो जम्मू कश्मीर में कोई वो प्रतिनिधि नहीं है ना हमारा, आज तो ना कोई यहाँ पे इलेक्टेड गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन रूल चल रहा है, यूनियन टेरेटरी बना दी जबकि स्टेट से। तो यही एक सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट रहेगी, अगर मिनिस्टर आ रहे हैं वो पब्लिक के पास आए, लोगों के पास जाए, लोगों की जो समस्याएं हैं उनको उनको देखें। अब देख लिए ना, जैसे ये अभी 2-4 दिन पहले एक बरसात हुई है, अपना मैं आपको जम्मू श्रीनगर हाईवे की बात नहीं करता, वो तो चलो खराब ही रहता है, हमारे जम्मू कठुआ हाईवे देख लीजिए, यहाँ पे तो पानी हाईवे पे ही पानी हो गया था, इतने इतना पानी हो गया था कि बस ये चलना बंद हो गई थी। तो ये अगर ऐसी फैसिलिटीज मिलेगी तो ये फैसिलिटीज़ तो अब आपको जनता भी बताएगी ना, हमारी रोड्स की हालत क्या है, हमारी पावर की हालत क्या है, हमारी बिजली पानी की समस्या क्या, हमारी एजुकेशन की समस्या क्या। तो इसीलिए जनता से संवाद करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके ऑफिस में बैठ के वहाँ से 100-200-500 करोड़ की अगर बातें होती रही, तो वो तो पहले भी बहुत बातें हुई हैं, 100-200-500 करोड़ आता है पर वो दिखता नहीं है ग्राउंड पे कहाँ पे यूज़ हो रहा है। ऐसा तो नहीं कि इलेक्शंस की तरफ भाजपा जो है वो बढ़ रही है और वो ये सोच रही है कि हम भारी मैंडेट से इस बार भी जीतेंगे तो हम अपने जो नेता हैं वो यहाँ पर भेजें और धीरे धीरे लोगों में एक विश्वास बिल्ड करें, क्योंकि विश्वास खोया भी है भाजपा ने, तो उस विश्वास को बिल्ड करने के लिए यहाँ पर दौरे किए जा रहे हैं। चलो, हम मानते हैं जम्मू कश्मीर में अब इलेक्शन का एक प्रोसेस शुरू हो चुका है, सब पॉलिटिकल पार्टीज अपने दौरे कर रही है। अभी आप देखिए राहुल गांधी जी भी आए, वो भी जम्मू से कटरा वैष्णो माता के दर्शन करने के बाद आके उन्होंने भी जम्मू में एक अपनी रैली की, उन्होंने भी अपना बताया भाजपा ये कर रही है, भाजपा वो कर रही है। चलो अच्छी बात है, अब जब प्रोसेस शुरू है, अगर भाजपा के भी कैबिनेट मंत्री आ रहे हैं, आज राहुल गांधी से नहीं हम बोलेंगे राहुल गांधी आप हमें क्या दोगे, क्योंकि वो अपोजिशन में बैठे, वो देने के कहाँ पे काबिल है। आज जो भी देना है वो भाजपा को देना है, एनडीए गवर्नमेंट को देना है, इसीलिए भाजपा के हर एक कैबिनेट मिनिस्टर का दौरा इतना अहम हो जाता है कि वो जनता से सीधा संवाद करे, जनता को जो प्रॉब्लम्स आ रही है उसका जनता दरबार लगने चाहिए। अगर कैबिनेट मिनिस्टर आ रहे हैं यहाँ पे हमारे, देखिए ना मैं आपको एक अभी वो छोटी सी बात बता दूँ, हमारे अभी यहाँ पे पैरालंपिक्स गेम हुई है जो टोक्यो 2020 की, हम भी दिल्ली गए, हमने भी वो पैरालंपिक्स प्लेयर देखे, मैं उनके उस फंक्शन में हम भी इनवाइटेड थे, तो हमने जब वो पैरालंपिक्स प्लेयरों से मिले तो उसमें मुझे हमें वहाँ पे बैठ के पता चला कि हमारे जम्मू कश्मीर से एक पैरालंपिक राकेश बजाल
जो कि कटरा से हैं, वो पैरालंपिक्स खेलने टोक्यो गए थे, बट हमारे जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स का स्पोर्ट्स वालों को ये भी नहीं पता था कि वो हमारे जम्मू कटरा से एक पैरालंपिक प्लेयर खेलने जा रहा है। देखिए जब उनसे बात की, उन्होंने बताया ये सारा जितना भी उनको स्पॉन्सर किया ये किया गया माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से। मैं तो पहली बात माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के सीईओ का बहुत शुक्रिया करता हूँ राकेश जी का, जिन्होंने हमारे कटरा में से एक उस युवा को निकाल के एक इतनी अच्छी गेम खिला के उसको वहाँ पे पैरालंपिक्स में भेजा। देखिए वो तीर कमानी करते थे, आज हमारे यहाँ पे जितने भी पैरा हैंडीकैप बच्चे हैं उनको नहीं पता हमारा भी फ्यूचर इस गेम खेलने से फ्यूचर बन सकता है। ये देखिए ये जो से बच्चे हैं, अगर ये बच्चे हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करके टोक्यो से आए हैं तो टोक्यो के बाद दिल्ली आके सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर उनका इतना वेलकम किया है। हम 3 दिन दिल्ली रहे, हमने देखा उन लोगों से जब बात की तो उन्होंने बताया हमें प्रधानमंत्री जी ने टी पे बुलाया था, फिर उसके बाद पैरालंपिक चेयरमैन श्री अविनाश राय खन्ना जी ने उनको टी पे बुलाया था, फिर उसके बाद कितनी वहाँ की संस्थाओं ने बुलाया। जब हमारे कटरे का युवा भी वो पैरालंपिक गेम खेल के आया तो हमारे भी यूनियन एडमिनिस्ट्रेशन का एक यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का फ़र्ज बनता था कि उस बच्चे को भी बुला के सम्मानित किया जाए। मैं आपके माध्यम से एलजी साहब से यही एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि उस बच्चे को भी बुला के अपने ऑफिस में एक सम्मानित किया जाए, क्योंकि पैरालंपिक गेम बहुत ही एक ऐसी गेम थी कि जिसको खेलने की कोई वो उसको पता भी नहीं होगा मैंने पैरालंपिक, आज वो खेल के आया उसको हमें प्रमोशन देनी चाहिए कि वो उसने जम्मू कश्मीर का नाम टोक्यो में जाके भी बताया, जम्मू कश्मीर भी हिंदुस्तान का एक विभिन्न अंग है। तो आप गवर्नमेंट के भी एक फैसिलिटी बनती है कि उसको बुला के उसको सम्मानित किया जाए, एक जम्मू कश्मीर का नाम जहाँ पे रोशन हुआ वो भी होना अच्छे से उसको सम्मानित किया जाए। और दूसरी बात, अगर ये जो से यूनियन मिनिस्टर आ रहे हैं तो इनको भी जम्मू कश्मीर के बच्चों से मिलना चाहिए कि उनको क्या समस्याएँ आ रही हैं। जब समस्याओं का हल होगा तभी भाजपा के ऊपर जम्मू कश्मीर के लोग भरोसा कर पाएंगे, नहीं तो वही हाल हो जाएगा जैसे बंगाल में हुआ था। रोज़ मंत्री जाते थे वहाँ पे भी 180 सीटों प्लस का नारा दिया गया था कि हम हुकूमत बनेंगे, बट बाद में क्या हुआ 60-70 सीटें रहेगी। तो वैसे ही जम्मू कश्मीर में भी आज एक भाजपा अपनी ग्राउंड खो चुकी हुई है। अगर भाजपा को वो ग्राउंड बनानी है, अगर उनके सेंट्रल मिनिस्टर दौरा करें उनको डायरेक्ट पब्लिक से इंटरेक्ट होना पड़ेगा, ना कि अपने ऑफिसों में बैठ के, ना कि दौरे करके तो सीधा दिल्ली जाके अपनी रिपोर्ट कर दी हम जम्मू कश्मीर हो गया है। वो वैसे दौरे मत करिए, पब्लिक से मिलिए, पब्लिक की परेशानियों को समझिए। बस अगर हल निकलेगा जम्मू कश्मीर का तो तभी पता चलेगा भाजपा ने बहुमत में आके जम्मू कश्मीर को जो 370 के नुकसान थे 370 के वो फायदे गिनाने पड़ेंगे अब उनको ग्राउंड पे आके कि हमने आपको 370 टूटने के बाद ये फायदे दिए, तो वो फायदे अब हमें दिखने भी चाहिए। अब बड़ी बड़ी बातें नहीं होनी चाहिए। मतलब आपको उनके आने का कोई मतलब क्लियर नहीं हो पा रहा कि वो क्यों यहाँ पर आ रहे हैं? देखिए अब इलेक्शन प्रोसेस भी शुरू है, अभी डिलिमिटेशन कमेटी की भी रिपोर्ट आएगी। जब डिलिमिटेशन कमेटी की रिपोर्ट आएगी ये तो उसके पहले का अब सियासत शुरू हो चुकी है। हर पार्टी ने अपना बिगुल बजा दिया है, जैसे बुखारी साहब ने परसों बोल दिया हम 300 यूनिट फ्री देंगे। भाई पहले तो तुम 370 वो बोल रहे थे हम वापस ला के देंगे 3500, वो तो वापस लाए नहीं, तो अब 300 यूनिट आप कहाँ से फ्री दे दो। ये बड़ी बड़ी बातें, अब इलेक्शन शुरू हो चुकी है ना, वैसे ही तो अब ये सेंटर के मिनिस्टर आ रहे हैं जम्मू कश्मीर के दौर पर। अब देखिए ये हमें कितने नए गिफ्ट देंगे, पहले 370 और 35 टूटने के बाद हमें टोल दिया, हमारी वाइन पॉलिसी की चेंज कर दी, और कितनी चेंज कर दी हमारी एग्रीकल्चर देख लीजिए, महाजन खत्री लोग नहीं खरीद सकते हैं, कुछ ऐसे ऐसे कानून आते रहते हैं जो पब्लिक को पता ही नहीं चलते कौन से कानून कहाँ पे कब आ रहे हैं, कैसे इंप्लीमेंट हो रहे हैं। तो वही बात है, कुछ अच्छी चीज़ें भी कर रही है एडमिनिस्ट्रेशन, जहाँ पे गलत कर रही है वहाँ पे तो हम उसको बोलेंगे वो गलत कर रही है। जैसे डेवलपमेंट से हमें बोला गया था साबरमती फ्रंट बनेगा, आज तक साबरमती फ्रंट ही बना, आर्टिफिशियल लेक बनेगी, आर्टिफिशियल लेक नहीं बनी, स्मार्ट सिटी बनेगी, स्मार्ट सिटी कहीं पे दिखती नहीं है, सिर्फ बोर्ड लगाने से स्मार्ट सिटी नहीं है, ग्राउंड पे पर काम करना पड़ेगा उसके लिए ना। वही है, अगर जो भी मिनिस्टर आ रहे हैं वो पब्लिक से संवाद करें, कि ना कि ऑफिस में बैठ के टूर करके जहाज में कोई डोडा किश्तवाड़ चले जाइए, तो उधर के लोगों से मिलने के बाद जम्मू के भी लोगों से मिलना चाहिए इनको सबसे। तो जब मिलोगे बात पता चलेगी क्या क्या प्रॉब्लम फेस हो रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट तो बहुत पैकेज दे रही है बट वो पैकेज ग्राउंड पे इंप्लीमेंट अच्छे तरीके से नहीं हो पा रहे हैं, कुछ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर नहीं उनको इंप्लीमेंट कर पा रहे अच्छे तरीके से। इसीलिए अब इलेक्शन प्रोसेस जो से शुरू हुए हैं तो अब ये मंत्रियों का आना जाना इस टाइम लगा रहेगा। चलिए शुक्रिया हमसे बातचीत, थैंक यू दीपक जी। तो ये जिस तरह से कह रहे हैं कि जो भी मिनिस्टर बाहर से यहाँ पर आ रहे हैं वो लोगों से ग्राउंड लेवल पर मिलें, धारणा पूर्ति ना करें खाली ये बताने के लिए अपने पार्टी वालों को या केंद्र सरकार को कि हम गए थे हमने बड़ी बातें की हैं, तो उन बातों का रिजल्ट भी आना चाहिए।
तो हम भी ये कहेंगे कि ज़रूर आप मुलाकात करें लोगों से, लोगों की परेशानियाँ जानने की कोशिश करें, क्योंकि लोग काफ़ी परेशान हैं और बेरोज़गारी भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई है। इन चीज़ों पर चर्चा करें लोगों से और इसका सल्यूशन ढूंढने का प्रयत्न भी करें, वरना इसी तरह जैसे विशाल जी कह रहे हैं कि ये खाना पूर्ति कर रहे हैं, कोई रिजल्ट पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन ये खाना पूर्ति जैसा लग रहा है। बाकी आप लोग अपनी राय ज़रूर रखें और देखते रहें दैनिक शहर समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण लोगरा को दिया जाता, नमस्कार।